आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1 दिसंबर सन 1965 को सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थापना दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीएसएफ छत्तीसगढ़ के महानिरीक्षक इंद्रराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीएसएफ द्वारा प्रदेश के अति संवेदनशील इलाकों में विकास कार्यों को सुरक्षा दी जा रही है। बीएसएफ के जवान देश को माओवाद मुक्त बनाने में लगे हुए हैं। प्रदेश में 2009 से तैनात बीएसएफ ने 1000 से अधिक माओवादियों को आत्मसमर्पण कराने और 106 माओवादियों को मारने में सफलता हासिल की है। बीएसएफ के डिप्लॉय होने से जो वहां के लोकल्स हैं उनके जीवन स्तर में काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और वो फ्रीली घूमते हैं तथा जो वहां के यूथ हैं वो भी स्पोर्ट्स तथा एजुकेशन में अच्छी तरह से आगे आ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम डिप्लॉयड हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं हमें पूर्ण सहयोग देते हैं। अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो हमारे कैंप पे आते हैं और हम उनको किसी भी प्रकार की सुविधा से देने में पीछे नहीं हटते। बीएसएफ के आईजी ने यह भी बताया कि बीएसएफ के जवान समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, रोजगार प्रशिक्षण और ट्राइबल यूथ प्रोग्राम के तहत आदिवासी बच्चों को भारत भ्रमण जैसे कार्य कर उनका जीवन स्तर बढ़ाया जा रहा है।